अमरीका के शहर ब्रुकलेन में पैगामे करबला क्या है के उन्वान से खसूसी इल्मी और फिक्री नशिस्त का इनकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजाहब और जुमला मकातब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। जमीयत इस्लामिया पाकिस्तान के सरबराह आलमी इस्लामी स्कॉलर अल्लामा गुलाम अकबर साकी ने अपने खसूसी खिताब में पैगामे करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का छोड़कर करबला जाना हुरमत काबा और बकाए इस्लाम की जमानत ठहरा, जिसका बय्यन सबूत यह है कि यजीद लेन का कोई नाम लेवा नहीं, जबकि शहदाए करबला जिंदा व जावेद हैं और उनकी अजमतें बुलंद कर दी गईं। इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्के तशरीफ ले आए। अब यजीद ने कहा, खूब आसानी हो गई, अपने करिंदे इमाम के कातिल हाजियों के लिबास में भेज दिए कि जाओ, हज में रश होता है, सही के दौरान, तवाफ के दौरान जहां मौका मिले इमाम को खंजर मारो तो कत्ल कर लो, पता ही नहीं चलेगा कि किस मुल्क का था, कौन था, शोर होगा हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मगर इमाम अम्र इलाही के ताबे होता है, इमाम अल्लाह की मशीयत को देख के चलता है, जो उसकी मशीयत होती है इमाम उस पर फैसला देता है। हज का इमाम है, जब पता चला कि मेरे कातिल हाजियों के निवास में आ गए हैं, क्योंकि पैगाम करबला है इस मुख्तसर कॉन्फ्रेंस का नाम, मगर मेरे दामन में वक्त तक अच्छे कम है, मगर नतीजा मैंने आप भाइयों को मुकम्मल देना है। तो इमाम ने फौरन आज को उम्रे में बदला। अब जहरन ये फैसला को इतना आम फैम समझ में आने वाला नहीं कि लोग हज पे जा रहे थे, हुसैन हज छोड़ है मक्के से, आज को उम्रे में बदल के मक्का छोड़ के बाहर जाने लगा। अब जो जानते थे कि ये निवास रसूल है, ये फरजंद अली बतूल है, ये नुमाइंदा इस्लाम है, ये इमाम हक है, उनको तो कोई वजाहत की जरूरत नहीं थी, मगर जिनको मार्फत की कमी थी उन्होंने सवाल किया कि हुसैन लोग हज पे जा रहे हैं, आप हज को उम्रे में बदल के मक्का छोड़ के कहां जा रहे हैं। इमाम ने कहा, मैं काबे को बचाने जा रहा हूं। अगर समझ आई ये बात, इमाम ने फरमाया, मैं काबे को छोड़कर हुरमत काबा बचाने जा रहा हूं, अगर इमाम का कत्ल वहां हो जाता तो आज काबा बेआबाद होता, लोग हज की तरफ रुख ना करते और कहते वो तो मक्तल गाह है, वहां हज पे क्या जाने, जबकि अल्लाह ने उसको अमन का घर करार दे दिया है। अल्लामा गुलाम अकबर साकी ने बलूचिस्तान के सानह हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और दीगर शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। कबल अजीं खसूसी नशिस्त में सना खानान ने हमदोनात और मनाकब के नजराने पेश किए। इस मौके पर मेजबान प्रोग्राम राजा आबिद हुसैन, राजा अम्मार यासिर, चौधरी रजाक, सैयद जैन अब्बास, अल्लामा मोहम्मद असगर नकवी, राशिद जैदी, अमानत डोगर, मास्टर नियाज और दीगर भी मौजूद थे, जबकि सफीर अमन, मरकजी चीफ कोआर्डिनेटर बैनुल मुजाहब अमन कमेटी पाकिस्तान बाबा मुश्ताक अहमद कंबो ने भी इस नशिस्त में खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अल्लामा गुलाम अकबर साकी ने सानहा हेलीकॉप्टर के शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ की। मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज़।